हेलो दोस्तों, मैं साओ साओ चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में, जो स्टॉक सबसे बढ़िया स्टॉक है और उसका मार्केट कैपिटल भी बहुत बढ़िया है और मार्केट पे मूवमेंट भी बहुत बड़ा है। तो इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं। वो स्टॉक का नाम है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में हम चार्ट खोल दिए, वन डे कैंडल का चार्ट है। वन डे कैंडल का चार्ट में हम देख सकते हैं ये फ्लैप पैटर्न टाइप का बना है, आप यहीं से देख सकते हैं। यहाँ से मूवमेंट हुआ है और यहाँ से जो अपर बॉलिंजर बैंड, ये बॉलिंजर बैंड का इंडिकेटर है और ये जो लाइन है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का लाइन है। अभी परफेक्ट देखिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन को टच करके अभी ये बड़ा सा कैंडल मूवमेंट कर रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम भी है, कैंडल भी है और सपोर्ट लेवल को है। इसका मतलब 300 टारगेट दे सकते हैं यहाँ से मूवमेंट करके। तो अपर बॉलिंजर बैंड से गिरावट होके मिड बॉलिंजर बैंड तक आया, वहाँ से सपोर्ट लेवल लेके एक बड़ा सा बुलिश कैंडल बनाया। अब यहीं से आपको स्टॉप लॉस लेना है। 250 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका और 300 का टारगेट रहेगा। 300 टारगेट रिसेंट अचीव होने के लिए वो तैयार में है और आपको इसमें CNC में, कैश ऑन कैरी में आप ट्रेड करना है और वॉल्यूम भी सपोर्ट है। ये है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस का मंथली कैंडल चार्ट देखेंगे तो मंथली कैंडल चार्ट देखिए, बहुत दिन तक ये एक रेजिस्टेंस रहे, अभी ये ब्रेकआउट दे के निकलने वाला है। तो ये हो गया आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप ट्रेड करते रहिए और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए। और मेरा जीरोधा अकाउंट ओपन करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जिसका डीमैट अकाउंट नहीं है वो जाके वहाँ से लिंक से ओपन कर सकते हैं, वो फ्री है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।